नमस्ते दोस्तों, हम बात करेंगे सेल्फ पोर्ट्रेट की, उसकी यूजफुलनेस की और आगे बढ़ के कुछ और चीजों की। व्यक्तिचित्र सेल्फ पोर्ट्रेट ऊपरी तौर पे देखा जाए तो एक ऑलवेज अवेलेबल मॉडल है आपके लिए। हर लाइटिंग में, हर एंगल में आपके लिए वो पोजिंग करेगा, बिना कोई आनाकानी किए बहुत चाव से आपके लिए पोजिंग करेगा। स्टडी के आगे बढ़ेंगे, एक्चुअली इससे आपके बहुत स्टडीज होंगे, एक्सप्रेशंस, अलग अलग मूड्स, अलग अलग लाइटिंग। लेकिन एक स्टडी होने के बाद आगे जब हम बढ़ते जाएंगे, बीच बीच में हम सेल्फ पोर्ट्रेट करते रहते हैं, तो उस समय कभी कभी नोइंगली अननोइंगली खुद को कैसे देखना है चित्र में, आप खुद को कैसे देखना चाहते हैं, खुद कैसे दिखना चाहते हैं, वो भी रिफ्लेक्ट होने लगता है। प्रायोगिक तौर पे हम कभी कभी अलग अलग पहराव में, अलग अलग लाइटिंग में, अलग अलग कलर स्कीम में हम खुद को पेंट करते हैं। ये बात स्टडी के आगे बढ़ने की है। धीरे धीरे हम अपने विचारों को चित्रों में रखने की कोशिश करने लगते हैं, या फिर रखना शुरू करते हैं, रखना शुरू हो जाता है अपने आप। तब खुद को हम रिफ्लेक्ट करते हैं अपने चित्रों में, खुद के कैरेक्टर का यूज भी हम चित्र में करते हैं। देशी विदेशी चित्रकारों ने बहुत बार ये चीजें की है, हम देख सकते हैं। कमीशन वर्क में भी हम खुद को यूज़ करते हैं अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए, अलग अलग पहराव के लिए, एज ए मॉडल, एज ए मैनिक्विन। उससे आगे बढ़ के हम इसके ऊपर विचार करेंगे थोड़ा सा अंतर्मुख होके, तो थोड़ा एक लालसा भी चित्रकार की रहती है अपने आप को चित्रों में जीवित रखने की, ऐसा मुझे लगता है।